आयोजनकर्ता अब्दुल सत्तार ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून, ग्रेटर नोएडा, खुर्जा रुड़की और कई जगह से टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें 120 बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि महागुरु नवीन हिक्की जी थे। प्रतियोगिता में भारत के कुंगफू मास्टर मुर्सलीन भी मौजूद रहे, जो कि कराटे, कुंगफू, ब्रेजिलियन जुजुत्सु के मास्टर हैं। प्रतियोगिता में एसएस खान, सिमना मार्शल आर्ट के फाउंडर, आईएसकेएफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी हरकेश सिंह, कुर्बान खान सेंसेई महेश, सैमित्रा काजल और विनीता ने भी इस प्रतियोगिता में सहयोग किया। मास्टर मुर्सलीन ने वार्ता के दौरान बताया कि वह देश में मार्शल आर्ट के प्रोत्साहन हेतु निरंतर भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट जात पात, छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी के लिए वरदान है। पेश है इस प्रतियोगिता में आए महानुभावों व मार्शल आर्ट के मास्टरों की अनुभव। मैं भी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, हरकेश सिंह राजपूत हमारे बड़े भाई हैं और हम इनके अंडर काम कर रहे हैं इस टाइम। शोतोकाई जो हमारी बॉडी है, इंटरनेशनल शोतोकाई कराटे फेडरेशन, उसका मैं ट्रेजायर हूँ और हमारी फेडरेशन शोतोकाई बच्चों को लेकर, और जैसे कि काई में मेडल लगेगा जैसे सर ने अभी बताया था, उसके रिगार्डिंग बच्चों को लेकर बहुत उत्साहित है कि बच्चा, अच्छा बच्चा कैसे करके डिजर्व जो बच्चा करता हो वो आगे बढ़े, और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए फुल पुरजोर अभी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए सर की, आपका सर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि दिन पर दिन बच्चों के लिए क्रेज़, उसका सेमिनार करना, उन बच्चों को समझाना, हफ्ते में एक मीटिंग लेनी, उसके लिए कैसे बच्चा हमारी फेडरेशन से आगे निकलता है, कैसे इंडिया को एक अच्छा फाइटर मिले अपने इंडिया की तरफ से। जैसे कि 2020 में हमारे कराटे इंक्लूड हो चुके हैं ओलंपिक में, तो उसके लिए हमारी मेहनत पुरजोर कोशिश जारी है। और बस मैं अपने विचारों को यहीं उत्तर प्रदेश ने लिया है, और ये जो अभी हम यहाँ पर आए हैं, या उत्तराखंड के अंदर सेंसेई अब्दुल सत्तार ने हमें एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया है गेस्ट के रूप में, और हमारी फेडरेशन से वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट के, और वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक छोटा सा टूर्नामेंट रखा है, उसी के रिगार्डिंग हम बच्चों का अपने स्टेट में भी और दूसरी स्टेट में भी हम ये देख रहे हैं कि बच्चा कैसे, कौन कौन से बच्चे अच्छा खेलते हैं, उन बच्चों को हम कैसे मोटिवेट करके आगे ले जाते हैं। थैंक यू सर। मैं और उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, मैं शोतोकाई का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और यह पहली बार यहाँ पर एक स्टेट टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ से जो बच्चा जीतेंगे और जो बच्चा हमारा इस काई का, इसमें काई की बॉडी में गोल्ड मारता है, उसके लिए हम 5,000 रुपये देंगे और उसको आजीवन अपने उसकी सदस्यता देंगे। ये सरकार की ओर से या आप अपनी तरफ ये से? ये अपनी फेडरेशन की तरफ से होगा। हमारा जो काई के उसमें नेशनल में मार गोल्ड मारेगा उसके लिए हम 50,000 रुपये, जो सिल्वर मारेगा 25,000 रुपये, और जो ब्रॉन्ज मारेगा उसके लिए 15,000 रुपये हम देंगे अपनी तरफ से। बहुत ही अच्छा, आप खेलों के प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छा काम करें। आप अपने बारे में बताएं, आपको कितना वक्त इस गेम में? सर मैं कराटे को जो है 91 से कर रहा हूं, और मुझे लगभग जो है इसमें जो है 31 साल करीब में हो रही मुझे भी, सॉरी 22 साल करीब में हो गई मुझे इसमें कराटे में करते करते, और इस समय आप जो है इंडिया के जनरल सेक्रेटरी के पद पर आप हैं। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। एसएस खान, I'm 7-dan black belt from JKA, Japan Karate Association, and I'm the founder of Simna Martial Art Organization. I have come to see the tournament which Sensei Abdul Sattar and Sensei Mursaleen organized. How the tournament is going on? It's going great. This tournament is going great. And what about the government facilities for this tournament? Actually, I'm not aware lots of things that government giving lots of facility to players. मैं ये कोशिश कर रहा हूँ अपने स्तर पे। But something what they have given to them? Government काई, अगर कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो काई not about काई एसोसिएशन और we are talking about sports authority. What sports authority are giving to them from Uttarakhand? Uttarakhand government. Actually, I am from Delhi, so that I am not aware Uttarakhand government what they are giving. Exactly. So what's the national government is doing for them? Actually, national some state national government is giving some scholarship to karate players and wushu players, other martial art players. That's it. And now I'm watching the tournament. What about the potential of kids who are playing here? Potential is great. It's playing potential, player spirit is very, we can see that behind you. Very great. Yes.
Very great. Thank you. मेरा नाम सेंसई अब्दुल सत्तार है, मैं उत्तराखंड का शोटोकाई एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हमारा फर्स्ट ओपन शोटोकाई कराटे चैंपियनशिप हो रही है। इसमें कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? इसमें बुलंदशहर, खुर्जा, रुड़की, देहरादून, सेलाकुई से।